हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्त। इस वीडियो में हम इस देखेंगे सोशल मीडिया के हमारे पास आइकन होते हैं, वहां पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास शेयर का ऑप्शन आता है। आप कोई भी इमेज शेयर करना चाहते हैं, कोई कंटेंट है, कोई सॉन्ग है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, उसको हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे शेयर कैसे करते हैं। फेसबुक मैंने लॉगिन कर रखा है, कोई भी आपके पास अकाउंट लॉगिन किया हो, अगर व्हाट्सएप आपने लॉगिन किया है, ठीक है, मोबाइल पे है तो डायरेक्ट आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप से करते हैं तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे भी। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैंने फेसबुक को लॉगिन कर रखा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरे फेसबुक की प्रोफाइल आ गई, यहाँ पर फ्रेंड लिस्ट 0 है तो मैं इसको अपने पेज पे शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगी किधर आपने शेयर करना है, तो मैंने यहाँ पर मेरा जो पेज क्रिएट कर रखा है इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आ गया, ये वाला मेरा पेज है, इस पे मैं शेयर करूंगी। यहाँ पे कुछ भी हेलो वगैरह लिख देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कंटेंट क्या होगा, ये वाला। तो इधर आपने कुछ भी कंटेंट ऐड किया हो ना, उस कंटेंट को आप शेयर कर सकते हैं, कंटेंट कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर पोस्टिंग लिखा आ रहा है, उसके बाद आपने इसको शेयर करना कैसे है, पोस्ट पे क्लिक करेंगे। कैंसिल का ऑप्शन है, आप कैंसिल भी कर सकते हैं पोस्ट ऑन टू फेसबुक। टेस्ट कर लेते हैं क्या पोस्ट होगा या नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और ये आ गए हम अपनी प्रोफाइल पे, वहां पर शेयर हो चुका है। अब मैं वहां पर ले चलती हूँ अपनी प्रोफाइल पे आपको, जहां पे मैंने अपने पेज पे लॉगिन कर लिया है। ये है मेरा पेज, फेसबुक का पेज, जहां पे मैंने अभी अभी एक लिंक या फिर कुछ भी हेलो हाय वगैरह शेयर किया है। तो यहाँ पर देखो जस्ट नाउ लिखा आ रहा है ना, यहाँ पर लिखा है हाय। तो यहाँ पर मैंने ये वाली एग्जाम्पल ऐड की थी कि इसको मैंने शेयर करना है, यहाँ पर एग्जाम्पल डोमेन है। तो वहां पर अगर आपने चेक किया होगा, यहाँ पर बैक चलते हैं, इधर आपने शेयर पे क्लिक करना है। तो इधर आपको वहां पर कंटेंट दिखेगा कि शेयर क्या करने वाले हैं आप। तो यहाँ पर मैंने लिखा था जे वाले एग्जाम्पल, तो जे वाली चीज मैं शेयर करूंगी। तो ये हमारे पास शेयर हो चुकी है मेरे अपने वेब पेज पे, फेसबुक पेज पे, जे वाला है, साथ में जे वाला एक कंटेंट है, इस पे क्लिक करेंगे। या कुछ इमेज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, स्टोरी भी हो सकती है। तो ऐसे ही हम हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ शेयर कर सकते हैं। सेम ऐसे ही ट्विटर हो गया, यहाँ पर व्हाट्सएप हो गया, इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपने लॉगिन कर रखा होगा तो आपके पास डायरेक्ट शेयर करने का ऑप्शन आएगा। अगर लॉगिन नहीं किया तो आपने यहाँ पर लॉगिन कर लेना फेसबुक व्हाट्सएप को, और यहाँ पर सिर्फ जी ऑप्शन है लैपटॉप पे ही आएगा। अगर आप मोबाइल पे हैं डायरेक्ट आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। फ्रेंड लिस्ट में से आप किसी फ्रेंड को चूज करके सेंड कर सकते हैं कोई भी कॉन्टेंट। तो यही टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक वेबसाइट में आजकल हर एक वेबसाइट में यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोड कोड बहुत ही छोटा सा है, सिंपल सा कोड है, तो इसको हम हटा देते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। इसको हम कर देते हैं बंद, इसको कर देते हैं रिफ्रेश। सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया के आइकन्स ऐड करने आने चाहिए, वो कैसे करते हैं, तो वो मैंने पहले भी एक कंप्लीट वीडियो इसकी बनाई थी। तो दूसरा पेज आपने एक क्रिएट कर लेना है, कोई भी नाम दे दो इसको। इसमें आपने इंपोर्ट कर लेना है रिएक्ट को, फ्रॉम रिएक्ट, जूम कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर जस्ट आपने लिखना है, इंपोर्ट करना है, सारे के सारे आपने सोशल मीडिया आइकन लगानी है। तो कर्ली ब्रैकेट के बीच आप इसको ऐसे एंटर कर दो। सबसे पहले आपने फेसबुक को लगानी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेम ऐसे ही लिखना है, फेसबुक शेयर बटन। अगर आपके पास ये लिंक नहीं लगेगा, आपको बटन लगाने नहीं आते जे वाले, तो इसको मैं अलग से एक वीडियो बनाई है, वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक, उसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा फेसबुक आइकन, एक इसका फेसबुक का, हर एक सोशल मीडिया का एक तो शेयर बटन होता है, एक होता है इसका आइकन। तो हम यहाँ पर आइकन भी लगाएंगे, तो फेसबुक आइकन ऐसे आएगा, ठीक है। फिलहाल एक ही लगाएंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। फ्रॉम कहाँ से एक इंपोर्ट करना है, रिएक्ट शेयर। तो ये वाली चीज अगर आपके पास वर्क ना करे, इसको कॉपी कर लेना है, टर्मिनल ओपन करना है, यहाँ पर आपने टाइप कर देना npm i रिएक्ट शेयर। तो ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने पहले ही कर रखा है इसको डाउनलोड, इसको हम बंद कर देते हैं। पहले हम एक आइकन लगा के देखेंगे, कॉन्स्ट बना देते हैं एक, नाम इसको दे देते हैं शेयर, शेयर बटन्स इज इक्वल टू, यूआरएल चाहिए हमें, एक चाहिए टाइटल, दो ऑब्जेक्ट पास करने हैं आपने, रिटर्न लगाओ, एक डिव लगा देते हैं। यहाँ पे आपकी डिजाइनिंग आएगी, जैसे मर्जी डिजाइन कर सकते हैं।
क्लास नेम दे दो इसको, कोई शेयर बटन्स। अच्छा सा आपने डिजाइन कर देना है इसको। इसके बीच आएगा सबसे पहले तो फेसबुक, तो मैं फेसबुक को, मैंने फेसबुक वाला लगाया हुआ है, तो आपने लिखना कैसे है, फेसबुक शेयर बटन जहाँ पे हम एंटर करना बोलते हैं। यूआरएल आएगा, इस यूआरएल में हम यूआरएल ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। यूआरएल का क्या आएगा, क्यों लगाएंगे, क्योंकि जब कोई बंदा फेसबुक पे क्लिक करेगा वो डायरेक्ट मूव हो जाए फेसबुक पे। और जहाँ पे कोट लिखेंगे यहाँ पे टाइटल आएगा, फिलहाल इसको हम ब्लैक ऐसे ही छोड़ेंगे। एक तो ये हो गया फेसबुक को शेयर बटन, साथ में एक फेसबुक आइकन आना है। यहाँ पर लिखो फेसबुक आइकन, यहाँ पर साइज मेंशन कर सकते हैं, आइकन का आप साइज कितना रखना चाहते हैं, साथ में राउंड लगाना है, मतलब उसके जो कॉर्नर है वो राउंड हो जाते हैं। इसको रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं ऐप डॉट जेएस में आना है। पहले इसको हम इधर ऐड कर देंगे, ये वाला जो लिखा हुआ है इसको हम हटा देते हैं सब कुछ, फिर से ऐड करेंगे। इंपोर्ट करना है इसको, जो मैंने उधर एक फंक्शन बनाया ना, नाम क्या है शेयर जे वाला, इसको आपने कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट। शेयर बटन को इंपोर्ट कर लो फ्रॉम अपने पेज का नाम, तो पेज का नाम मेरे पास है ट्वीट, वहां से इस बटन को इंपोर्ट करेंगे। इधर आ जाना है आपने, कॉन्स्ट URL इज इक्वल टू, इधर आप URL आना है, ठीक है। URL वो आएगा जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, मैं example.com लगाऊंगी, वो कंटेंट बेसिकली आएगा जहां आपकी कोई इमेज आएगी, कुछ भी आपने शेयर करना है। बेसिकली आपकी कंप्लीट एक वेबसाइट होती है, वहां पर कुछ ना कुछ आपने क्रिएट किया होता है, कोई इमेज हो, शेयर करनी हो, कंटेंट है, वो आपने पहले ही क्रिएट किया होता है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं। तो मैं जैसे एक जस्ट डमी एक बना रही हूँ, कंटेंट कॉन्स्ट टाइटल इज इक्वल टू चेकआउट दिस लिंक, ऐसे कुछ लिख देते हैं। तो ये एक यूआरएल हो गया, एक टाइटल हो गया, इसको हमने इधर डिफाइन कर रखा है, एक यूआरएल होगा इसमें, एक टाइटल होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, H1 में कुछ लिख देते हैं, सोशल मीडिया कुछ भी लिख लो। ये हो गया, उसके बाद चलते हैं, इसको हमें रिटर्न के बीच लगाना है। यहाँ पे लगाओ रिटर्न, इसके बीच लगाओ H1, और ये वाली ब्रैकेट एक्स्ट्रा है। इधर आपने रेंडर करना है किसको, शेयर बटन सेम ऐसे ही लिखना है, इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ये वाले जो शेयर बटन है इसको आपने यहाँ पर लिखना है, URL आएगा साथ में का टाइटल आएगा, और यहाँ पर ऐसे आ रहा है तो इसकी फ्रेगमेंटेशन ऐड कर देते हैं, एरर आ रही है, इसको कर दो रिफ्रेश। चलिए अब कोई भी एरर नहीं है, तो ये हम मेरा कंटेंट हो गया जिसको मैं शेयर करना चाहती हूँ। अब चलते हैं उधर दूसरी तरफ, इधर आ जाना है आपने। अभी तक हमारे पास कोई भी आइकन नहीं शो हुआ, फेसबुक वाला हो गया, हमने ऐड कर दिया, उसके बाद वो तो कॉपी कर लो, एक्सपोर्ट कर दो, डिफॉल्ट शेयर बटन फेसबुक आ गई, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम मूव होने चाहिए फेसबुक पे, तो यहाँ पे आ गए हम फेसबुक पे। चलिए जे अपने आप यहाँ पे मूव हो गए, हमने इसको कहीं भी नहीं बोला कि फेसबुक का कहीं भी यूआरएल नहीं लगाया। जे क्या करेगा, जे वाले जो हमने लगाए ना, फेसबुक आइकन हो गया, फेसबुक को शेयर बटन हो गया, और सबसे जरूरी बात जे वाला जो हमने लिखा हुआ है फ्रॉम रिएक्ट शेयर, तो यहीं से पता चल जाएगा कि रिएक्ट शेयर करना है, हमने शेयर के बटन लगाने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डमी होते हैं, कुछ डमी बटन होते हैं कि हमने सिर्फ शो के लिए लगाना होता है कि हमने सोशल मीडिया का आइकन ऐड किया, लेकिन इसको वर्किंग में लाने के लिए हम यहाँ पे रिएक्ट शेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर फेसबुक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करो, फेसबुक ओपन हो गई, किधर शेयर करना है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जहाँ पर जो मेरा पेज है वहां पे ही करना है, तो इसको शेयर कर देते हैं। इधर आपने कुछ लिखना है, हेलो वगैरह कुछ भी टाइप करेंगे वो उधर चला जाएगा, इस पे हम कर देते हैं पोस्ट। सेम ऐसे ही हमारे पास सारे के सारे सोशल मीडिया आइकन हमने लगाने हैं, इसको पोस्ट करके एक बार रिफ्रेश करेंगे पेज को। ये वाला पेज है तो वो हो चुका है पोस्ट, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, इसको कर देते हैं स्क्रॉल डाउन। तो ये वाला अभी अभी जस्ट मैंने किया है शेयर, तो मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो एक हो गया हमारे पास कंप्लीट,
सेम ऐसे ही आपने दूसरा आइकन लगाना है, बस ऐसे ही आप आइकन लगाते जाओ, बाकी कुछ भी नहीं करना। फेसबुक हो गया, इंपोर्ट कर लिया फेसबुक को, इसको कर दो एंटर। ट्विटर, यहाँ पर सबसे पहले ट्विटर शेयर बटन आएगा, कॉमा ट्विटर आइकन आएगा, उसके बाद बारी आती है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप शेयर बटन आएगा, आइकन आएगा। अब यहाँ पे देखो ये डिसेबल है, मतलब जब तक ये हाईलाइट ही नहीं हो गए ना, तब तक ये वर्किंग में नहीं आने। वो हाईलाइट कैसे होने हैं, जब तक हम इसको यहाँ पर नहीं लगाते। एंटर करके सबसे पहले ट्विटर का लगाओ, ट्विटर शेयर बटन आना है, यूआरएल होगा उसका, टाइटल होगा, साथ में ये आएगा ट्विटर आइकन, इसको रिफ्रेश करो, ट्विटर आ गया, इस पर क्लिक करो तो यहाँ पे ट्विटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। सेम ऐसे ही अगर आपने अगर नेक्स्ट लगाना है, व्हाट्सएप लगाना है, व्हाट्सएप सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे आएगा आइकन। ये वाला राउंड है ना, इसके जो शेप है वो देखो राउंड में है, तो वो राउंड में आप लगा सकते हैं, राउंड नहीं लगाएंगे तो वो स्क्वायर में आ जाएगा। व्हाट्सएप भी हो गया, अब यहाँ पर बस काफी है इतने ही, बाकी आप जितनी भी ऐड करना चाहते हैं लगा सकते हैं, बस इसकी वर्किंग ऐसे ही रहेगी। जहाँ पे क्लिक करेंगे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मूव हो जाएगा। तो मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें हम व्हाट्सएप को शेयर ऐसे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कंटेंट, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था ठीक है, वो विदाउट रिएक्ट शेयर के साथ था। यहाँ पर हमने रिएक्ट शेयर यूज किया है, वो वहां पर मैंने एक लिंक ऐड किया था, वो भी लगा सकते हैं, जी भी लगा सकते हैं, जो भी आपको दोनों में सही लगे, दोनों ही यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।